मानसून आने को है और ऐसे में वासी का कुछ इलाका ऐसा है जहां होल्डिंग पॉइंट की सफाई नहीं होने के कारण इस बार वहां पर बाढ़ आ सकती है और पूरा इलाका पानी में डूब सकता है। और इसी मुद्दे को लेकर आज शिवसेना के युवा नेता अवधूत मोरे जी ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के सामने सवाल उठाया है। लंबे समय से उनकी मांग चल रही है लेकिन आज भी होल्डिंग पॉइंट की सफाई नहीं हुई है। आज शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा जब अभिजीत बांगर से मिले उस वक्त ये मुद्दा उठाया गया। आज मेरे साथ स्वयं अवधूत मोरे जी हैं, उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा इतना गंभीर क्यों है और किस तरह से उसे उठाया जा रहा है और महानगर पालिका का उसमें उसकी जो भूमिका है वो कितनी गंभीर आपको दिख रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो होल्डिंग पॉन्ड है, जो हमारा सेक्टर 8 का जो ये विषय है होल्डिंग पॉन्ड का, सिडको ने जब 1970s में ये जो शहर स्थापन किया तभी उन्होंने नेदरलैंड्स जो सी लेवल के नीचे है वो उसके आधार पर यहाँ पे ये डच सिस्टम उन्होंने अपनाया। क्योंकि हमारा आप एरिया देखेंगे वाशी का तो काफ़ी एरिया ये सी लेवल के नीचे है, जैसा सेक्टर 6, 7, 8 आपका सेक्टर 2 का एरिया रहा सब। तो ये जो डच सिस्टम है इसमें ऐसा है कि जो एरिया का एक्सेस वाटर है वो उसमें एकोमोलेटेड हो जाता है और उससे वो पंपिंग स्टेशन जो सेक्टर 8 में उसे वो बाहर फेंका जाता है हाई टाइड के टाइम। लेकिन आज क्या हो गया है, 14 साल से इसका डीसिल्टिंग ही नहीं हुआ। तो डीसिल्टिंग नहीं होने के वजह से ये जो होल्डिंग पॉन्ड है इसकी कैपेसिटी कम हो गई। आज आप देखेंगे ये होल्डिंग पॉन्ड में पानी किधर से आता है, ये रेन वाटर ड्रेन जो ड्रेनेज का पानी आता है रेन वाटर ड्रेन का, वो खेरने MIDC, तुरबा MIDC, APMC, सेक्टर 30 सानपाड़ा, ये सब पानी आता है अरेंजा कॉर्नर के इधर और उधर से वो पूरा पानी जाता है ये होल्डिंग पॉन्ड पे। अभी ये लोड इतना ज़्यादा है कि सेक्टर 6, 7, 8 का जो आउटलेट है जो पानी ये होल्डिंग पॉइंट में जाए वो जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसका जो आउटलेट है और ये जो होल्डिंग पॉइंट का लेवल आ गया वो एक ही लेवल पे है। तो इधर का लोड और ये पानी, तो हमारा एरिया आज ये फ्लडिंग होने वाला ही है। आप देखिए अभी एक साल पहले जो आपका ये आया साइक्लोन आया, हाँ। निसर्ग साइक्लोन, 2 घंटे के बारिश में पूरे सेक्टर 6, 7, 8 की इधर पानी भर गया। तो अभी तो ये जो फोरकास्ट हो रहा है कि बारिश सबसे ज़्यादा होने वाली है ये टाइम और जल्दी आने वाली है, तो इसके लिए ये होल्डिंग पॉइंट की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है और ये 100% फ्लड होने वाला है। तो हमने जो MCZMA के मनीषा महेशकर जो प्रधान सचिव है ये एनवायरनमेंट के, उनको हमने पत्र द्वारा ये सूचित किया कि आप 15 तारीख तक NMMC को आप ये परमिशन दे दीजिए ये डीसिल्टिंग का। अभी देखिए NMMC सब गटर साफ कर रहे, नाले साफ कर रहे, गटर साफ करना भी ज़रूरी था लेकिन ये गटर का पानी अभी जाएगा किधर, वो तो हमारे एरिया में ही बैक मारने वाला है। तो आज जो हमारे उपनेता विजय नाहटा जी है उनके अध्यक्ष में हम लोग आज आयुक्त साहब को मिले और जैसे हमारे नाहटा साहब भी एनवायरनमेंट के अध्यक्ष है वो कमेटी के, तो उनके पास भी ये प्रस्ताव दिया और उन्होंने आयुक्त साहब से इसके ऊपर बात की। वो बहुत सीरियस बात है इसलिए सीरियसली उन्होंने भी लिया है आयुक्त साहब ने और उन्होंने उनके अड़चनें बताई और ये अभी नाहटा साहब भी बोले हैं कि मैं MCZMA से इसका पूरा फॉलोअप करता हूँ और ये जल्द से जल्द साफ़ करने का उन्होंने भी प्रॉमिस किया है। आपको क्या लगता है आखिर मुश्किल क्या है कि 14 साल से सिर्फ एक मैंग्रूज के कारण जो है उस होल्डिंग पॉइंट का क्लीनिंग नहीं हो पा रहा है, उसकी डिसिल्टिंग नहीं हो पा रही और वो इलाका बाढ़ में डूबने के लिए तैयार है? इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद भी प्रमुख अड़चन क्या है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है? देखिए आप जैसा देखेंगे कि ये मैन मेड पॉन्ड है, ये होल्डिंग पॉन्ड है मैन मेड है, ये कोई नेचुरल पॉन्ड नहीं है और ये बनाया गया था ये सिटी के लिए कि इधर पानी जमा होएगा हाई टाइड में अंदर बाहर का पानी अंदर नहीं आने देंगे और पंप आउट किया जाएगा ये जो अंदर पानी, तो उसकी वजह से फ्लड नहीं होगा। लेकिन क्या हो गया अभी 2010 तक
मेरे पिताजी विट्ठल मोरे जब नगर सेवक थे तो उन्होंने दो टाइम वो होल्डिंग पॉइंट साफ किया था, तभी कोई मैंग्रोव का विषय आया नहीं था। तो ये नहीं साफ करने के वजह से जो हाई टाइड में पानी अंदर छोड़ा जाता है उसके वजह से मैंग्रोव के सीड्स अंदर आए और उसके वजह से मैंग्रोव उगे। तो 91 से तो मैंग्रोव नहीं थे, तो अभी अभी समझिए यही मैंग्रोव इसके सीड्स अगर अपने घर के सामने के गटर में अगर आ गए तो आप क्या गटर साफ नहीं करोगे? ये तो मतलब सेंसिबल चीज़ नहीं है ना। तो हम उसके लिए हमने उसके प्रयास किया है और ये इन्होंने 14 साल से साफ नहीं किया, इसकी वजह से ये अड़चन आई है। एक जो चीज़ आज बाहर निकल के आई बात, जो कि जब हमने सवाल पूछा था उनसे कि एक्चुअली समस्या कहाँ है कि महानगर पालिका के हाथ में इस होल्डिंग पॉइंट को साफ़ कराने की जिम्मेदारी है और सिर्फ अगर मैंग्रोव की वजह से अगर साफ़ नहीं होता है तो वो पूरा इलाका प्रभावित हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री ने रिपोर्ट भी मांगी है। आपको क्या जानकारी है, किस तरह से आपने उनसे इसके समाधान की पहल की है, क्या नगर विकास मंत्री ने आदेश दिया है? अभी हम आयुक्त साहब से जब चर्चा कर रहे थे तभी आयुक्त साहब से ये मालूम मिला कि उन्होंने ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आज यही महीने में MCZMA का वापस मीटिंग भी हुआ, लेकिन उसमें ये हमारा होल्डिंग पॉइंट का मुद्दा लिया नहीं गया। और ये ताकि ये इधर का लोगों के लाइफ की बात है, आज 100% ये बारिश के मौसम में हमारे इधर के लोग बाहर की इधर बारिश का मज़ा लेने जा नहीं सकते क्योंकि 100% इधर पानी भरने वाला है और ये अभी डर का माहौल हमारे एरिया में आ गया है। और मतलब हम जिम्मेदार लोग हैं, आंसरेबल लोग हैं, तो हमको लोग पूछेंगे तब हम क्या जवाब देंगे? आपको लगता है कि समाधान इसका क्या हो सकता है, क्योंकि कमिश्नर ने बोला है कि 15 मई तक सभी गटर नालों की सफाई होनी है। गटर नाले साफ होंगे तो जाहिर सी बात है उसका पानी फिर से उसी होल्डिंग पॉइंट में जाएगा, तो एक तरह से इनडायरेक्टली एक तैयारी हो रही है, होल्डिंग पॉइंट तो साफ नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कि लोग तबाह हो जाएंगे और इसलिए महानगर पालिका या जो भी संबंधित प्रशासन उसको तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए बिफोर 15th में? देखिए अभी अथॉरिटीज़ तो है, अथॉरिटीज़ को समझाने का काम अभी कमिश्नर साहब का है, NMMC का है, क्योंकि ये विषय सीरियस है और उन्होंने भी सीरियस नोट पे लिया है कमिश्नर साहब ने, लेकिन इसके ऊपर अभी आप काम शुरू कर देना चाहिए अंदर, क्योंकि इसको कोई ना नहीं बोलेगा। आज लोगों के हित का काम है और लोगों के मतलब घरों का विषय है इस पर, कल इधर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, कौन जिम्मेदार रहेगा? NMMC जिम्मेदार रहेगी, तो NMMC ने इसके ऊपर फ्रंट पे आके वो काम करवा के लेना चाहिए MCZMA से। सानी सांसद या दूसरे जो आपकी पार्टी की सरकार है और जो नेता हैं वो किस तरह से इसके लिए पहल कर रहे हैं, क्या उनसे आपने कोई डिमांड की है कि इसको तत्काल प्रायोरिटी के तौर पर इस विषय को लिया जाए और उसका समाधान निकाला जाए? नहीं, आज जब हम मतलब जब विजय नाहटा जी से मिले, वो अध्यक्ष है उस कमेटी के, तो उन्होंने बोला मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया, अभी वो जो प्रधान सचिव है हमारे मनीषा महेशकर मैडम, उनसे वो इसके ऊपर आज ही बैठक लेने वाले हैं और वो हल निकालेंगे इसके ऊपर जल्द से जल्द। जैसा कि आप विश्वास जता रहे हैं कि मनीषा महेशकर जो प्रधान सचिव हैं इस विभाग की, उनके यहाँ निवेदन दिया गया है, आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को निवेदन दिया गया है, आज स्वयं जो उपनेता है शिवसेना के विजय नाहटा, उन्होंने भी इस मुद्दे पर बातचीत की है और तत्काल समाधान की मांग की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो डेडलाइन दी गई है गटर नालों को साफ करने के लिए, उसी डेडलाइन के साथ साथ इस होल्डिंग पॉइंट का, वासी के होल्डिंग पॉइंट की भी क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि पूरा वासी का इलाका सुरक्षित रह सकता है, अगर नहीं होता है तो इस बार वासी इलाके का डूबना तय है। और अब ये जिम्मेदारी महानगर पालिका आयुक्त और महानगर पालिका प्रशासन की है कि इस मैंग्रोव के मसले को हल करते हुए इस होल्डिंग पॉइंट की सफाई तत्काल की जाए। सहयोगी सदर जी के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।